खड़ा किए, गांव वाला को ढूंढने लगा। एक भी मर्द को नहीं मिला। उसके बाद चलो हम लोग जंगल ढूंढना शुरू करें। अंदाजे हम लोग यहाँ इस कच्चा रास्ता में आया, हम लोग ढूंढना शुरू किए। उसके बाद इधर पहले ढूंढे, नहीं मिला, उसके बाद चलो उधर दौड़ के उससे। तो खोदा हुआ था। हाँ, खोदा हुआ। खूंटी जिले के मुढ़ू थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से भय का माहौल। आपको बता दें कि खूंटी जिले के मुढ़ू पुलिस ने मंगलवार को जंगल के बीच दफन दो युवकों का शव बरामद किया है। शवों की पहचान पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव के कुरडा गांव निवासी 22 वर्षीय सीबीएन अपतगढ़ और मुरहू के रुमुतकोयल पंचायत के करंका गाँव निवासी 26 वर्षीय पंडा बोदरा के रूप में किया गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 29 अक्टूबर से दोनों युवक लापता थे। परिजनों के अनुसार, आपको बता दें कि मुढ़ू थाना क्षेत्र के कोआ गांव में पंडा मुंडा का ससुराल था, जो अपने दोस्त सीबीएन हपतगढ़ा के साथ पहुंचा हुआ था। पंडा मुंडा जब अपने दोस्त के साथ ससुराल पहुंचा, तब ससुराल में अपनी पत्नी को नहीं देख ससुराल वालों के साथ उनका कुछ कहा सुनी हो गया था, जिसके बाद ससुराल वालों के अन्य लोगों ने मिलकर दोनों ही व्यक्तियों को पास के जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर सब को जंगल में दफना दिया। एक महीने बीते जाने के बाद पंडा मुंडा और उसके दोस्त के घर वालों के द्वारा उनकी खोजबीन शुरू की गई। वहीं पंडा मुंडा और उसके दोस्त के गांव वाले लोग एकत्रित होकर पंडा मुंडा के ससुराल पहुंचे और शक के आधार पर इधर उधर खोजबीन शुरू कर दिया। खोजबीन करते करते पंडा मुंडा के ससुराल कोआ के बगल वाले जंगल में लोगों ने देखा कि वहाँ मिट्टी कोड़ा हुआ है, जिसे शक होने पर लोगों ने उस मिट्टी को जब कोड़ना शुरू किया, तब मिट्टी के नीचे से दोनों शव को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों की हत्या कर एक ही गड्ढे में दफना दिया गया था, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय मुढ़ू थाना को दी गई और पुलिस अपने पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया गया। हालांकि पुलिस अब इस मामले को लेकर पूरी तरह से छानबीन में जुट गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पंडा मुंडा और उसके दोस्त के परिजनों ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया है। ये मृतक जो है वो कौन थे? ये मेरा भांजा लगता है, गांव का रिश्ते से। लेकिन करंग का तीन टोली है, मैं बीच टोली हूँ, गरम प्रधान आगे टोली जहाँ कंकुशी है उधर, और ये तो यहाँ इधर हथ मुंडी है। अच्छा, तो फिर ये लोग कब से गायब थे? 29 दस। हम लोग अंदाजी आए, ससुराल गया बोल के, गांव में शोर मचाया जैसे सुना, और यहाँ आकर के हम लोग जैसे जंगल शिकारी करते हैं वैसे हम लोग शिकारी करने लगा। इतना ही मेरा वाणी अंत करता। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे जंगल में दफन है लाश? हम लोग अंदाजी सर, यहाँ को मैदान में हम लोग का उधर से सवारी जो भी गाड़ी खड़ा किए, गांव वाला को ढूंढने लगा। एक भी मर्द को नहीं मिला। उसके बाद चलो हम लोग जंगल ढूंढना शुरू करें। अंदाजे हम लोग यहाँ इस कच्चा रास्ता में आया, हम लोग ढूंढना शुरू किए। उसके बाद इधर पहले ढूंढे, नहीं मिला, उसके बाद चलो उधर दौड़ के उससे। तो खोदा हुआ था। हाँ, खोदा हुआ। कौन लोग हो सकते हैं? कुछ तो नहीं बता सकता। ठीक, थी आपको क्या जानकारी मिली थी आपको? क्या हुआ था, कैसे आप लोग को जानकारी मिली कि इनका लास्ट दफन है यहाँ? जानकारी मिल गया 2-3 दिन आ गया, घर से पता ही लग गया। कब से गायब था? 1 महीना हो गया, मेहमान आया उसी तरह गायब हो गया। अच्छा, यहाँ आया और यहीं से गायब हो गया। आप लोगों को कब पता चला कि गायब हो गया? हम लोग पता चल गया दिवाली के बाद पता चला। तो फिर आप लोग ढूंढ रहे थे, तो फिर कैसे जानकारी मिली कि जंगल में इसको दफन किया है? आपका क्या नाम हुआ सर? कौन है आप? गांव की पादाना है। ठीक, इसी गांव के? नहीं, करंका। करंका बंदगांव के? बंदगांव नहीं सर, करंका। करंका मुरहू। मुरहू जी। ठीक ठीक।